हमारे गोर विरोधी भी आज मोदी जी झुंझुना बजाने लगे और मैं फूटो काट दू ना तो कुछ मोदी भी नहीं ला सका। बात बात तेरा और मेरा और मेरा डायलर मुझे नमस्ते करता, मुझे चार छापे ज्यादा पहना दिए, मेरे होर्डिंग ज्यादा लगा दिए। मैं तो लगभग हिंदुस्तान के साथ लगभग लगभग सब प्रदेशों में प्रभाव ही रहा हूं और मैं देखा हमारे गोर विरोधी भी आज मोदी जी झुंझुना बजाने लगे तो हमको बजाने में क्यों डर लगना चाहिए। और इसलिए हम सब लोग आगामी 23 पर ध्यान में रख करके चुनाव में पूरी ताकत से जुटे, पूरी लगनता से जुटे, पूरी योजना से जुटे। राजगरी सिंह के मंच वाले तो भाई अब तो मैं केंद्रीय चुनाव समिति का मेंबर हूं। जयपुर वाला कैडी भी लिस्ट भेजी ना तो हर गांव की एक एक नस जानवा ध्यान रखा। अगर कोई गलत फैली मत पाल और मैं फूटो काट दू ना तो कुछ मोदी भी नहीं ला सका। बात बात मैंने संतोष की बात रखते हुए तेरा और मेरा और मेरा डायलर मुझे नमस्ते करता, मुझे चार छापे ज्यादा पहना दिए, मेरे होर्डिंग ज्यादा लगा दिए। इस गलत फहमी से दूर हो जाओ, कम से कम आप कार्यकर्ता दूर हो जाओ। पार्टी जो भी निर्णय करे, पार्टी जो भी तय करे, हम पूरी ताकत से पार्टी के साथ लगेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं से आपने मुझे इतनी देर तक ऐसी धूप में इतनी धैर्यता से सुना, मुझे तो मानसी में थोड़ा गुस्सा है। मैं मान जी आप शामियाना तो लगा देते आप, मैं तो आपको भी धूप में खड़ा किया मेरे भाई भगवान के हो। और एक बात और सुनकर, पिछली बार केंद्र की योजना से हमने पर्वत सर से किशनगढ़ के लिए रेल पास की थी, रेल लाइन पास की थी, है ना जान सबने अटका दी अपने प्रदेश वाले, इन्होंने 400 करोड़ रुपए स्टेट वालों को देना है। लेकिन आपको भरोसा करके वो अश्विनी वैश्य भी हमारा गांव में कर लेंगे, चिंता मत करो। थे एक बार दो चार लोग मान जी आप आ जाओ, ये जो आपने कहा है प्रबंधन से किशनगढ़, जिसका बता रहे कि 4-5 कॉन्स्टिट्यूशन में फायदा होगा, निश्चित रूप से कहीं से भी पैसा आवे अश्विनी जैन के पीछे पड़ के मैं इस काम को पूरा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।